नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। हमारे साथ हैं कुशल शर्मा सर, जो कि सचिव हैं विलेज केयर सोसाइटी नोएडा के। पहले हम सर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम कुशल शर्मा है और मैं विलेज केयर सोसाइटी नोएडा से हूँ। हम नॉर्मली गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी, आपने बहुत सारे, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे कार्य किए हैं लोगों के लिए, इस बीच आपने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स आपको मिली होंगी और काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आप लोगों ने फेस किए होंगे, तो आप हमें बताना चाहेंगे कोई भी चैलेंज और कोई भी अचीवमेंट जो आपने, आपको अचीव हुई है। देखिए, चैलेंजेस की तो मैं बात क्या ही करूँ, क्योंकि चैलेंजेस तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती हैं, तो हम उसे चैलेंज तो नहीं कहेंगे, वो तो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में नोएडा में सेक्टरों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, और मेरे ख्याल से जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तो जो विकास का जो एक ग्लास है ना, वो आधा ही रहेगा, क्योंकि अगर आधी आबादी सेक्टरों की है तो आधी आबादी गाँव की भी है। तो मैं नोएडा अथॉरिटी से, इस माध्यम से हमारा संस्थान भी कई बार अपील करता है कि जब तक आप समस्याओं का रेजोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक वो आपका काम पूरा नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं नोएडा के सेक्टर कितने वेल डेवलप्ड हैं, सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, लेकिन अगर गांव की बारी आती है तो हालांकि अथॉरिटी हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर काम करती है, बट ये काम प्रोएक्टिव हो, इसी के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जैसे सम्मान सेक्टरों को दिया जा रहा है, गाँव वाले भी कहीं ना कहीं उस सम्मान के हकदार हैं और उनकी ज़रूरतों को के मद्देनज़र उस तरह के प्रयास नोएडा अथॉरिटी को करने चाहिए। और चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कोरोना सबने झेला है, पूरी दुनिया ने झेला है। कोरोना काल में हमारी संस्था ने बहुत सारे गरीब बच्चों के खाने से लेके उनकी पढ़ाई से लेके किताबों तक, दवाइयों तक, हर तरह की ज़रूरतें लोगों की पूरी की हैं और प्रयासरत हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी, आपने मतलब कि जो भी अचीवमेंट्स आपने अपॉर्चुनिटी लिया है, सर मैं आपको जानना चाहूँगी आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं कि गांव को एक बराबरी का दर्जा दिया जाए। गाँव को बराबरी का दर्जा दिलाने के साथ साथ हमारे बड़े सारे स्लम एरिया के बच्चे हैं जो अभी 10th 12th स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, और हमारा प्रयास ये है कि वो ग्रेजुएट हो जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें और उसके बाद उनको समाज की मेन धारा में जोड़ा जाए, उनको अच्छी जॉब्स दिलाई जाएँ, जिसके लिए हम बहुत सारे NGO से मदद लेते हैं जो लोग बच्चों को जॉब्स दिलाते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति, चाहे वो गाँव का हो चाहे वो स्लम का हो, वो इस काबिल बन जाए पढ़ लिख के उसके सामने रोज़गार का संकट ना हो और फिर आने वाली जनरेशन को उस लेवल पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े जितनी अब करनी पड़ रही है, क्योंकि अशिक्षा की वजह से हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें करनी पड़ रही है। अब एक छोटी सी बात ले लो, अगर बच्चों को ये समझा दिया जाए कि पॉलिथीन हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, तो वो आने वाले टाइम के लिए 50-60 साल के लिए एक हमारा पेड़ हम बो देंगे। लेकिन आज की समय में अगर आप देखो, सरकार अपनी तरफ से मुहिम चलाती है, हमने भी अपने गांव में बहुत मुहिम चलाई है प्रधान जी के नेतृत्व में, लेकिन होता क्या है कि 2-4 दिन वो गर्मा गर्मी में रहता है और उसके बाद फिर लोग वापस से पॉलीथीन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब समाज पढ़ लिख जाएगा तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और यही हमारा प्रयास है कि आने वाले टाइम में हर बच्चा शिक्षित हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।